डायरेक्टर केएस रविंद्र बॉबी ने काफी मल्टीटैलेंटेड है और उनका तेलुगु के साथ ही साथ कन्नाडा इंडस्ट्री में भी दखल है और बॉबी का हर एक मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हुआ। और दोस्तों आज मैं रवि का डायरेक्शनल बॉक्स ऑफिस के बारे में बताने वाली हूँ और अगर आप चाहें तो बिजिल डायरेक्टर अटली कुमार और केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, पावर। ये 2014 तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है केएस रविंद्र ने और इसमें रवि तेजा डबल रोल में है और साथ ही साथ हंसिका मतवानी और रेजिना कसंद्रा लीड रोल पर है। इसमें दोनों एक जैसे देखने में है जिसमें एक है बलदेव जो कि कोलकाता के करप्ट एसीपी और दूसरा तिरुपति जो कि हैदराबाद के पुलिस ऑफिसर है। दोनों ने एक वजह से प्रोफेशन को एक्सचेंज करते हैं और इसका हिंदी डब्ड है पावर अनलिमिटेड नाम से और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी हूँ। और इसका आईएमडीबी रेटिंग रहा 5.8/10 और पावर मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर टू, सरदार गब्बर सिंह। ये 2016 तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है बॉबी ने और इसमें पवन कल्याण काजल अग्रवाल लीड रोल पर है। इसमें पुलिस ऑफिसर गब्बर की रूरल गांव में ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद ही कहानी शुरू होती है और इसका आईएमडीबी रेटिंग रहा 4.8/10 और इसका हिंदी डब्ड है सरदार गब्बर सिंह नाम से और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 90 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर थ्री, जय लवा कुसा। ये 2017 तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है बॉबी ने और इसमें जूनियर इंटर ऋषि खन्ना निवेदा थॉमस लीड रोल पर है। इसमें जय लावा और कुशा तीनों भाई एक जैसे देखते हैं और इसमें तीनों का अलग अलग पर्सनालिटी को दिखाई गई है और ये मूवी का आईएमडीबी रेटिंग रहा 7/10 और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 175 करोड़ और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर फोर, भिनकी मामा। ये 2019 तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है के एस रविंद्र ने और इसमें वेंकटेश नागा चैतन्य ऋषि खन्ना और पालराज पूत लीड रोल पर है। ये आर्मी बेस्ड फिल्म है और इसमें भतीजा और चाचा के बीच में एक इमोशनल स्टोरी को दिखाई गई है और इस फिल्म का आईएमडीबी रेटिंग रहा 6.8/10 और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो दोस्तों ये रहा डायरेक्टर के एस रविंद्र बॉबी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सर के बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए वर्षिजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।